तो देखिए, एक और मदरबोर्ड है जी 41 कैटेगरी में। आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप न्यू हो इसमें, तो इससे रैम स्लॉट से देख सकते हो। यहाँ पे जूम करके दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे, और DDR3 का रैम लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसको चेक कर रहे हैं कि दिक्कत क्या आ रहा है इसमें। तो अभी अभी ये मदरबोर्ड आया है TRC में, तो इसे ऑन करते हैं, ट्रिगर करते हैं यहाँ से। देखिए ऑन हो चुका है, और कोडिंग देखिए इसका 6363 आ रहा है। तो अभी इसी का रैम था, मैंने निकाल के प्रभु जी ने दिया है। तो देखिए अब मैं इसमें लगाता हूँ और देखता हूँ इशू क्या है। आप देख सकते हो आपके सामने लाइव है जो भी है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ कंटिन्यू, डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट मदरबोर्ड के बारे में, कैसे उसे चेक करते हैं, कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गए, आप वीडियो देखोगे तो मैं पोस्ट करूँगा, बनाऊँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होगे तो फिर कमेंट करोगे, बोलोगे सर इस मुझसे कि वीडियो बनाने के लिए कि आप इस मदरबोर्ड पे वीडियो बनाइए, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर कैसे करते हैं, ऐसे कैसे डायग्नोस करते हैं, इस प्रिंटर को कैसे ठीक करते हैं। तो जो पर्टिकुलर मॉडल आएगा मेरे पास, मैं उस पर क्या करूँगा, आपको वीडियो बना के एक यूट्यूब पे लिंक अपलोड करके लिंक शेयर कर दूँगा आपको ग्रुप में, ठीक है, या पर्सनली जो भी, अगर आपके आपका नंबर मेरे पास रहेगा तो। देखिए इसमें आ रहा है इशू कि ये रिस्टार्ट हो रहा है, दो तीन बार रिस्टार्ट हो चुका है। 3 बार से ज़्यादा या 4 बार से ज़्यादा रिस्टार्ट हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत है मदरबोर्ड में, ठीक है। इस वजह से तो आप कभी कभार देखते होगे, अगर आपका मदरबोर्ड डिस्प्ले प्रॉपर दे रहा है तो ये जो साउथ ब्रिज होता है, ठीक है, ये ओवर हीट होने लगता है। ओवर हीट होने का मतलब ये शॉर्ट फॉल्टी रहता है, ये शॉर्ट रहता है, ठीक है। तो इसको क्या उस केस में नहीं चलेगा, फिर उसके बाद ग्राफिक्स ग्राफिक्स ओवर हीट होता है। ये कुछ टाइम आप ऑन करोगे, चल चल के इस क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा या हीट हो के USB कीबोर्ड माउस काम नहीं करेंगे, लैन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। या ये चिप ज़्यादा ओवर हीट हो रहा होगा तो ये ऑन नहीं होगा, सहन सकती मतलब सह नहीं सकते आप। कोडिंग तो प्रॉपर दे रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है इस केस में, मैंने तो इस रैम पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो रैम देखिए, रैम तो ये फॉल्टी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10600 रैम है तो 1333 और 8500, इन तीनों में से कोई रैम लगाएंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास 1333 ही है, तो मैं 1333 को ही लगाऊंगा। और देखिए दोबारा डीबग कार्ड में देखते रहिए आप। अब इसके बाद स्टेटस देखते हैं कि मदरबोर्ड बंद होता है नहीं होता है। और देखिए 3838 और 7800 और डिस्प्ले आ चुकी है, केबल निकल चुका था और डिस्प्ले आप देखोगे यहाँ पे तो डिस्प्ले आ चुकी है। ये कॉमन फॉल्ट था, आप देख सकते हो कि इस केस में ये रैम ही ख़राब था। मैंने कोई वीडियो फेक नहीं बनाया, ये बिंड सील्ड का है कस्टमर का, और इसे बॉबी भाई लेकर आए थे। तो ये है, ये आपने देखा था मैंने रैम यूज़ करा था इस मदरबोर्ड में भी, जो असुस का मदरबोर्ड है, ठीक है। तो बाकी फ़ैन थोड़ा सा आपको बेसिक जो क्लीनिंग वगैरह करना होता है, जैसे डस्ट वगैरह हो मदरबोर्ड पे उसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद से साउथ ब्रिज का टेम्परेचर ये देख लेना है कि ओवर हीट हो रहा है नहीं, ज़्यादा ओवर हीट होगा तो ये मदरबोर्ड चलेगा नहीं। तो बेसिकली इस बोर्ड में यही इशू था, यही कंप्लेंट था इंजीनियर का कि डिस्प्ले नहीं आ रहा था। अगर ये कार्ड आपके पास रहता तो आप इजीली डायग्नोस कर पाते कि ये जो इशू है वो रैम का ही है, क्योंकि ये डेटा प्रॉपर बना रहा था और जो आपका रैम है लगाते ही वो अटक जा रहा, स्टक हो जा रहा था। आप देख रहे थे किस पोजीशन पे स्टक हो रहा था। तो और सीमोस जरूर क्लियर करके देखें, ये जो सीमोस है, ठीक है, इधर राइट साइड में लगा के फिर होम पोजिशन पर लगा लें, ठीक है। और इस सीमोस बैट सेल की भी पावर जरूर चेक करें, जो कि 3 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक आपको मैं आप एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मदरबोर्ड है, आपको क्या करना होगा, जब भी आप मदरबोर्ड को जाते हो, कॉल किसी कॉल को अटेंड करते हो
तो सबसे पहले आपको फिजिकली देखना होगा मदरबोर्ड को, फिजिकली आपका मदरबोर्ड गुड है या नहीं है, कहीं भी बर्न कहीं भी जला होना नहीं चाहिए, ठीक है। कहीं भी ये फिटिंग हटा के अगर डस्ट है तो क्लीन करके देखना चाहिए। आपके पास टूल किट बहुत अनिवार्य आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये तो डिबग कार्ड महंगा आता है, लेकिन ये 150 से 160 अकॉर्डिंग टू योर एरिया, तो उस तरह से लोकल लोकली जितना भी हो तो 180 तक समथिंग मिल जाता है, अलग अलग एरिया में प्लेस में। लेकिन 140 रुपये इसका बेसिकली, 150 रुपये वेरी करता रहता है, तो दो ही रेट होते हैं इसमें। तो आप इसे ले सकते हो इजीली, आप डायग्नोस कर सकते हो, कोई भी इशू आए कोडिंग को रीड करने में, आपको आइडेंटिफाई करने में, तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, या ग्रुप में मैसेज लिख सकते हो, या मुझे डायरेक्टली पर्सनली कॉल भी कर सकते हो कि मतलब कैसे सर इसे आइडेंटिफाई करें, जो भी है। तो ठीक है, तो और सीपीयू को भी ज़रूर क्लीन करके चेंज करके देख लें, ठीक है। तो डस्ट पहल, और उसके बाद से आपके पास मॉइस्चर क्लीन करके, आप जैसे ये कोर आईसी है और ये आईओ कंट्रोलर, इस पे रस्ट हो या मॉइस्चर ज़्यादा हो तो इसको क्लीन कर लें। और ये क्लॉक जनरेटर आईसी है, ठीक है, और ये लैन काम नहीं कर रहा है, तो लैन में आप देख सकते हो, मैं लैन में दिखाता हूँ, इस पे रस्ट होता है तो क्लीन कर लें। और यूएसबी में सेक्शन में जैसे कि ये है, इसमें पोर्ट में ये डैमेज हो जाता है, तो इससे क्या, आप यूएसबी लगाओगे शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा तो मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा, या का यूएसबी काम नहीं करेगा, और भी सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा, तो ये चिप शॉर्ट हो सकता है, पावर ऑन नहीं होगा। और रैम स्लॉट प्रॉपर देख लें कि कहीं टूटा डैमेज नहीं हो, जला नहीं होना चाहिए। बैक साइड में आप देख सकते हो ऐसे कि बैक साइड में कुछ जला नहीं होना चाहिए, फिजिकली कहीं कहीं पे फिजिकली जला नहीं होना चाहिए मदरबोर्ड में, और डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज है या किसी लिक्विड डैमेज नहीं होना चाहिए। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, आप चार्जेबल कर सकते हो, या वो जिसे OTC बोलते हैं उसे कर सकते हो। इससे आपको क्या एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप कस्टमर का कॉल भी हो जाएगा, और हम अपने को प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा एक तरीके से, मार्जिन जिसे जो भी है, अभी सेल का तो आइडिया है नहीं मुझे, लेकिन कंपनी को एक फ़ायदा हो जाएगा एक तरीके से। आप प्रॉपर डायग्नोस करोगे या कस्टमर के सामने ही आपको साइन करा लेना है, चालान पे मेंशन कर देना है कि सर ये दिक्कत थी इसमें, और ये जला हुआ, ये वाटर डैमेज है, लिक्विड डैमेज है, ठीक है। और अप्रूवल लेके, और कस्टमर अप्रूवल बोले तो लेके फिर मदरबोर्ड आपको लगा देना है डिमांड करा के, ठीक है, चार्जेबल बेस पे। तो आपने सीनियर से बात कर लें इसके रिगार्डिंग, जो भी है आपका मैनेजर तुमसे बात कर लीजिए, उसके बाद से कर दीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, अगर आपको और भी सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, TRC टेक आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसके बाद कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। बस धन्यवाद।